नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का दिल से स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की ये वीडियो हकीकत में इतिहास के अंदर एक ऐसी वीडियो होने वाली है जो इस YouTube की हिस्ट्री में मेरे हिसाब से अभी तक किसी ने इस बात को नहीं बताया होगा। अगर किसी ने बताया होगा तो वो हकीकत में भविष्य मालिका के ऊपर शोध कर रहा है, नहीं तो बाकी सब एक दूसरे के वीडियोज़ को उठा के केवल और केवल कॉपी कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ उस समय की, जिसके बारे में मोस्टली वीडियोस के अंदर इस YouTube के ऊपर जिक्र होता हुआ आया है और हर कोई ये कहता है कि शनि के मीन राशि में आ जाने के बाद में 13 दिन का पक्ष पड़ेगा, ये घटनाक्रम शुरू हो जाएगा, ये परले की स्थिति आ जाएगी, महाभारत काल का युद्ध शुरू हो जाएगा, World War III के योग बन जाएंगे। तो भविष्य मालिका का वो पेज आज मैंने जब डीकोड किया तो डीकोड करने के बाद में सारी डेट्स निकल के सामने आ गई, फैक्ट्स निकल के सामने आ गए और जी हाँ, ये बात पूर्णतः सत्य हो गई कि हाँ, भविष्य मालिका में आज के उस समय के बारे में जिक्र किया हुआ है। केवल आज का ही वो समय नहीं, अगर ये घटनाक्रम घटित हुआ तो दोबारे कब घटित होगा, क्या वो सिमिलैरिटी उस टाइम से भी मैच कर रही है जो आज का टाइम मैच कर रहा है। तो दोस्तों, सारी बातें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। प्लीज़, जिसने अभी तक आज इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सभी लोगों को बताओ, क्योंकि जो लोग भविष्य मालिका के अंदर यकीन रखते हैं उनके पास तक इस डेट का पहुँचना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। 12वें घर में षट ग्रह योग की युति जो बन रही है, जिसमें राहु, शुक्र, चंद्रमा, बुध, सूर्य, शनि, ये सारे के सारे ग्रह मिलके एक ऐसी गंभीर स्थिति को जन्म देते हैं जो कि कहा जा रहा है, जिसको जोड़ा जा रहा है कि महाभारत काल के युद्ध से जुड़ेगी। ये वो सेकंड द्वितीय विश्व युद्ध इन्होंने कहा गया है, चौथा कलयुग का युद्ध कहा गया है और World War III का भी नाम दिया जा रहा है। तो इसके बाद में जो ये कैलकुलेशन है, इसके अंदर भविष्य मालिका ने लिखा हुआ है कि जब शनि मीन राशि के अंदर होंगे उस दिन 13 दिन का शुक्ल पक्ष पड़ेगा, शनि के मीन राशि वाले दिन ही सूर्य ग्रहण होगा और शनिवार होगा, शनिवार वाले दिन शनि अमावस्या होगी। ये सारी की सारी बातें जो श्री गुरु अच्युतानंद जी ने अपनी भविष्य मालिका पुस्तक या आप उसको ग्रंथ कहिए, जिसके अंदर भविष्य की भविष्यवाणियों के बारे में जिक्र किया गया था, ये लाइन टू लाइन लिखी गई है। बहुत लोगों के पास में ये किताब है, जिन लोगों के पास में ये नहीं है नेट पे जाके भी इस बात को देख सकते हैं, और नेट पे जाने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे ही बहुत सारे चैनलों पे ये वीडियो प्रकाशित मिलेगी आपको जिसमें ये इस बात का जिक्र किया हुआ है। तो वो डेट जो बता रहा था मैं आपको, 14th March 2025, पंचांग उठा के देखिए, 14 मार्च 2025 से 26 मार्च 2025 तक 13 दिन का शुक्ल पक्ष पड़ रहा है। ये डेट वो डेट है जो भविष्य मालिका की पहली, जो इन्होंने जितने भी मापदंड दिए गए हैं उसमें पहले मापदंड के ऊपर सत्य साबित होती है। दूसरा मापदंड शनि का मीन राशि में प्रवेश होना, उससे पहले 13 दिन का शुक्ल पक्ष पड़ना। दूसरी बात, 29 मार्च 2025 को शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, शनि मीन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, दूसरा मापदंड सत्य साबित हुआ। तीसरी बात, जो तीसरी बात बोली गई थी, सैटरडे, देखिए उस दिन शनिवार पड़ रहा है और शनिवार के साथ साथ शनि अमावस्या भी पड़ रही है, ये चौथी और पांचवा मापदंड भी 100% सत्य साबित हो गया। बचा आखिरी, क्या सूर्य ग्रहण है? तो जब मैंने उठा के देखा और चार्ट के अकॉर्डिंगली मैच किया तो जी हाँ, उस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, मतलब 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन, मीन राशि में प्रवेश के साथ शनिवार होना, अमावस्या का होना और सूर्य ग्रहण का होना,
इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा है कि हाँ भविष्य मालिका में शायद इसी बाट का जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ 14 मार्च से 26 मार्च तक का वही 13 दिन का शुक्ल पक्ष पढ़ना, जिस बात को आज तक किसी ने नहीं बताया, इन डेट्स को आज तक कैलकुलेट करके किसी भी चैनल के ऊपर नहीं बताया गया है, आज आपके सामने ये डेट्स मैंने ला दी। आप लोगों का केवल यही एक क्वेश्चन रहता था कि डेट्स बताओ, ईयर हर कोई बताता है, घटनाक्रम हर कोई बताता है, डेट्स बताओ, तो वो डेट्स भी मैंने बता दी। इसके बाद में शनि का, जब 30 साल के बाद में 2055 के अंदर शनि जब दोबारे से मीन राशि के अंदर आएंगे, तो उस समय के ऊपर कैलकुलेशन करी है, लेकिन उस समय के ऊपर सूर्य ग्रहण की स्थिति नहीं दिखाई दे रही। तो ये जितना भी घटनाक्रम है, ये सारा का सारा आज उस समय को हम लोगों के सामने ला के रख दिया है कि आने वाले 2025 के अंदर हकीकत में वर्ल्ड वार होगा। क्या रूस यूक्रेन की जो स्थिति बनी हुई है, ये वही 6 साल 6 महीने का युद्ध है जिसके अंदर भारत आखिरी के अंदर अपना योगदान देगा। क्या शनि के मीन राशि में प्रवेश होने के बाद में 29 मार्च के आसपास की डेट के अंदर ही 13 इस्लामिक देश चाइना के साथ मिलकर भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे? ये सारी डेट, ये वही प्रोस्पेरेसी भविष्य मालिका की है जो कि प्रिडिक्शंस के रूप में हम लोगों के सामने आ रही है। मेरा काम केवल और केवल डेट्स को निकालना था जो आप लोगों के सामने ला के रखी। भविष्यवाणी का सत्य साबित होना या ना होना, ये भविष्य मालिका के ऊपर और आने वाले उस समय के ऊपर निर्धारित करता है कि जो गुरु अच्युतानंद जी ने अपनी पुस्तक के अंदर लिख दिया था, ये वही कालखंड है। केवल योग मैच करके देखे है, केवल स्थिति मैच करके देखी है, डेट्स निकाल के देखी है, चार्ट उठा के देखा है। इसमें इस बात का भी वर्णन किया है, जिस पेज के ऊपर भविष्य मालिका में ये बात लिखी गई है, इसमें ये भी कहा गया है कि उस समय पर ज्ञानी विज्ञानी पंडित भी इन ग्रहों की स्थिति को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे और यही सोचते रह जाएंगे कि अभी आने वाले समय के अंदर बहुत देरी हो है, बहुत समय है, और उसके बाद में ही असली खेल शुरू होगा। मतलब थोड़ी सी लैंग्वेज हम लोगों की चेंज इसलिए हो जाती है क्योंकि जो मदर टंग होता है वो हम लोगों के मुंह में आ जाता है और हम लोग आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर इजी करके उसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो मेरे भाई, किसी भी भविष्यवाणी के ऊपर आप लोगों के सामने लाना बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और आज इस कैलकुलेटिव वीडियो को जो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, मेरे हिसाब से यूट्यूब के इतिहास में ये पहली बार होगी कि किसी ने भविष्य मालिका की उन डेट्स का रिवेल किया हो, जिक्र किया हो। तो दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को ताकि सभी लोगों को उन डेट्स के बारे में पता लग पाए, रिवेल करें। और जो जो लोग इस वीडियो को आगे शेयर करना चाहते हैं, फेसबुक पर डालना चाहते हैं या कहीं और डालना चाहते हैं, प्लीज़ मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, वीडियो को डालिए। ताकि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे सभी भाई बहन जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो ये जानना चाह रहे हैं, जिनके मन में प्रश्न है, उसके बारे में उनको जानकारी मिल पाए। लाइव वीडियो में आऊँगा परसों, लाइव वीडियो के अंदर सारी बातें चार्ट के साथ में आप लोगों को खोल के समझाऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझ आए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे करें। कोशिश करूंगा और भी डेट्स रिवील कर पाऊं, आप लोगों के सामने लेके आऊं प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ में। अब इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कोई भी बात आप लोगों से हिडन नहीं करी गई है। चार्ट उठाइए, पंचांग उठाइए, जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता, उठा के चार्ट को देखिए, क्या सच में ये पढ़ रहा है, क्या सच में ये घटनाक्रम हो रहा है, क्या आने वाला टाइम हमारे सामने दुनिया के अंदर उस परले को लेके आएगा जिसका जिक्र बार बार हर यूट्यूबर अपनी वीडियो के अंदर कर रहा है और हर कोई इस बारे में जान रहा है, तो वीडियो की कॉपी बनना स्टार्ट हो जाएगी। लोग एक दूसरे को शायद, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद में और चैनलों के ऊपर भी डेट्स रिवील करें। तो फिर मिलूंगा आपसे आप ही के अपने चैनल के ऊपर। सभी लोगों का आज की ये वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।